जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही आसान सब्जी की रेसिपी लेकर आए हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। आज हम बनाएंगे हरी प्याज की सब्जी। हरी प्याज की इस सब्जी को बनाने के लिए हमने एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है और इसमें 1/4 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। और जीरे के चटकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी साइज की प्याज। इस प्याज को हमने स्लाइसेस में काट लिया है। प्याज का कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए तब तक हमने इसे तेल में फ्राई कर लिया। और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल दूर होने तक हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक प्याज के साथ तेल में थोड़ा और फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बड़ी साइज़ का टमाटर लिया है और इसे हमने चॉप कर लिया है। टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे तेल में फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं। और अब हमें इसमें कुछ सूखे मसाले डालने हैं, जैसे कि 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इन मसालों को इसके साथ अच्छे से मिला लेंगे। और मसालों की भुनाई करते वक्त हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिला लेंगे और लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक इन मसालों को भूनेंगे। 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनने के बाद आप देखेंगे कि मसाले अच्छे से भून गए हैं और इसमें से तेल रिलीज़ होने लगा है। तो एक बार इसे चला लेंगे और इस स्टेज पर हमें इसमें हरी प्याज डाल देनी है। तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम जितनी हरी प्याज को बारीक काट लिया है और इसे पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ तक कि वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि इस सब्जी की रेसिपी बहुत ही आसान है और आसान सी रेसिपी के साथ ये बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार होती है। स्पेशली जब आप इस सब्जी को बाजरे की रोटी के साथ खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर प्याज के साथ मसालों को थोड़ा पका लिया और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/4 कप पानी हमने इसमें ऐड किया है क्योंकि प्याज में से भी इसका पानी रिलीज़ होने लगेगा। इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो हमने इसे कवर करके लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो 10 से 12 मिनट तक पकाने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी है तो गैस की फ्लेम को हाई करके इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।